जादू लेखक रोंडा बन 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी बार ही कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों और आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब तक आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उड़ जाएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जादू अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू को स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं।
आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।